हे ऑल इट्स योर आयुष एंड यार ये सेकेंड पार्ट है एडवांस थीसिस की वीडियो का। ठीक है, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था, ये सेकेंड पार्ट है। और बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज में मैंने आपको बताया था कंबाइनिंग सेलेक्टर्स के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टर प्रायोरिटी के बारे में। ये बेसिक लॉजिक है जो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होते हैं, और ये बेसिक लॉजिक है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ को अच्छे समझ लेना, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि ये आगे आपका काम आएगा अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे वेब डेवलपमेंट के। तो ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई? आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली GCP और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूं। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे? मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, आपको बस सीखना है, जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने। और यह काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार सेलेक्टर्स प्रायोरिटी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग न्यूटन स्कूल के रेटर पर चलते हैं, वहां मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, सो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, इसमें मैं प्लेग्राउंड सेक्शन पर जाऊंगा, एक नया एडिटर क्रिएट करूंगा न्यूटन स्कूल का, जिसपे हम लोग कोड करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करते हैं, टाइटल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये बेसिकली आपकी याद के लिए होता है, जिससे आपको याद रहे आपने किस पर्टिकुलर एडिटर पर क्या किया था। ठीक है, फिर हम लोग इस पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एक न्यूटन स्कूल का एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो पहले यार मैं आपको रूल समझाता हूँ, फिर मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज करके दिखाता हूँ एडिटर पर। ठीक है, तो पहला रूल है लास्ट सीएसएस रूल हैज प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग अबव इट। तो ये क्या बताता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर रूल को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H1 पहले से लिख के आ रहा है। ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करूंगा। अगर आपको ना पता हो एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं, तो आप एक्सटर्नल सीएसएस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी है style.css की। अब एक्सटर्नल सीएसएस को अगर मुझे ऐड करना है, तो हम लोग हेड सेक्शन में टाइटल के नीचे लिंक की मदद से एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा स्टाइल्स, ये हो गया। उसके बाद हम लोग स्लैश करके यहाँ लिखेंगे सीएसएस, पाथ प्रोवाइड करूंगा बेसिकली, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और फिर इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग style.css फाइल पर जाएंगे, और यहाँ H1 में मैं बेसिकली आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा देकर दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पर H1 के पीछे बैकग्राउंड कलर एक्वा आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा था। अब मैं आपको समझाता हूँ जो रूल था उसके बारे में। ठीक है, ये स्टार्टिंग चीज थी जो मुझे सेटअप करनी थी, अब वो रूल आपको मैं समझा देता हूँ। तो रूल कुछ ऐसा है, लास्ट सीएसएस रूल हैज प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग अबव इट, लास्ट सीएसएस रूल। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। तो लास्ट सीएसएस रूल से मतलब ये है कि अगर मैं H1 में बैकग्राउंड कलर को फिर से ऐड करूं, ठीक है, बट इसमें मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं मान लो ब्लू का, ठीक है, और फिर इसको मैं ऐसे सेव करता हूं, तो जो लास्ट सीएसएस रूल है, मतलब किसी एलिमेंट में जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसी सेम प्रॉपर्टी की, जैसे बैकग्राउंड कलर की ही,
तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको प्रायोरिटी मिलती है पिछली वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब जो पिछली वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है जो आपने एकदम लास्ट में यूज़ किया है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो बैकग्राउंड कलर इसमें ब्लू वाला माना जाएगा जो जो कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला रूल था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, आई होप आपको फील आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो जो दूसरा रूल है वो ये, क्लास सेलेक्टर हैज मोर प्रायोरिटी ओवर सिंपल एलिमेंट्स, कि जो क्लास सेलेक्टर होती है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है सिंपल एलिमेंट्स पे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल एलिमेंट्स और क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो यार सिंपल एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपल एलिमेंट्स यही जैसे H1 मैंने यहाँ पे यूज़ किया और H1 में मैंने H1 को ओपन किया और फिर जो प्रॉपर्टी को चेंज करना था कर दिया, ये हो गया सिंपल एलिमेंट, ठीक है। अब ऐसे मानो कि अगर मैं H1 में एक क्लास को ऐड कर देता हूँ, H1 में क्लास लिखते हैं और इसका मैं नेम दे देता हूँ आयुष, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके डॉट की मदद से, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास को हमेशा कॉल करते हैं डॉट की मदद से, डॉट आयुष लिखता हूँ। अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को ही चेंज करता हूँ जिससे आपको डिफरेंस दिखे बेसिकली, ठीक है। और मैं ये पर्टिकुलर कलर को ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब आपको कलर में चेंज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है अगर आप सिंपल एलिमेंट से वही प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। H1 को मैंने यूज़ किया और सिंपली मैंने प्रॉपर्टी को चेंज किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने H1 में ही क्लास को अटैच किया और वही सेम प्रॉपर्टी को चेंज किया, तो जो मेन प्रॉपर्टी होगी वो प्रायोरिटी मिलेगी क्लास को, मेन जो हम लोग का सेलेक्टर है उसको। तो सिंपल एलिमेंट से ऊपर प्रायोरिटी होती है क्लासेस की, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पहला रूल ये था कि जो लास्ट वाला रूल होता है सीएसएस का उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और दूसरा रूल ये होता है कि सिंपल सेलेक्टर में और क्लासेस सेलेक्टर में क्लासेस सेलेक्टर को माना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट रूल को एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड जो रूल है वो है आईडी हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल, ये आई होप आपको फील भी आ गई होगी, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आईडी की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। सो ये पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लासेस के बगल में एक आईडी का इस्तेमाल करता हूँ सेम H1 में, ठीक है। जैसे मानो आईडी का नेम मैं दे देता हूँ पांडे, ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं। और मैं यहाँ पे स्टाइल और सीएसएस फाइल में जाता हूँ, आईडी को हमेशा हम लोग कॉल करते हैं हैशटैग साइन से, तो मैं इसको कॉल करता हूँ और सेम प्रॉपर्टी में ही करता हूँ जिससे आपको डिफरेंस दिखे, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करता हूँ और मैं रेड को यूज़ करता हूँ, ठीक है, फिर इसको सेव करता हूँ। तो आपको जो मेजर डिफरेंस है, जो मेन प्रायोरिटी है वो दिख जाएगी। सिंपल एलिमेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है क्लास एट्रीब्यूट की और क्लास से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आईडी की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गई होगी, यही मेन बेसिकली थर्ड रूल था हम लोग का कि आईडी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। आई होप आपको फील भी आ गई होगी, इसीलिए मैं एक एलिमेंट की एक ही प्रॉपर्टी के साथ खेल रहा हूँ जिससे कोई भी चीज़ ज़रा डिफिकल्ट ना हो, आपको सिंपली समझ में आ जाए। अब यह बात करते हैं फोर्थ रूल की, इनलाइन स्टाइल्स आर मोर स्पेसिफिक देन इंटरनल और एक्सटर्नल। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन सीएसएस की, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको फिर से करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एडिटर पे चलते हैं। तो यार पहले से एक्सटर्नल सीएसएस तो एडेड है, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐड करके दिखा दिया था। अब मैं आपको इंटरनल और इनलाइन सीएसएस ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार मैं इनलाइन सीएसएस आपको उसी एलिमेंट में ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें रिलेशन में लगेंगी और सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को भी मैं टारगेट करूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आए, ठीक है। और इसमें रेड भी हो गया है, ग्रीन भी हो गया है, येलो कर देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ, सेमी कोलन, और फिर इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने इनलाइन सीएसएस ऐड कर दी, जैसे मैंने ऐड करी आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे होंगे इसकी प्रायोरिटी आईडी से भी ज़्यादा होती है, मतलब जो आईडी की प्रायोरिटी थी आईडी में मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया था, और जैसे मैंने इनलाइन सीएसएस को ऐड किया तो इसकी प्रायोरिटी आईडी से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ये हम लोग का पांचवा वाला रूल है, ठीक है। तो पांचवे रूल को तो मैंने प्रूव कर दिया। अब जो चौथा रूल था कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी एक्सटर्नल और इंटरनल से ज़्यादा होती है, वो मैं प्रूव करता हूँ। एक्सटर्नल से ज़्यादा तो है ही यार, एक्सटर्नल में मैंने ये सब लगाया हुआ है पर कोई भी किसी काम का नहीं है H1 एलिमेंट के ऊपर। जैसे मैंने इनलाइन सीएसएस को ऐड किया बैकग्राउंड कलर येलो, तो येलो की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। अब मैं आपको इंटरनल सीएसएस ऐड करके बता देता हूँ। तो इंटरनल सीएसएस ऐड करने के लिए स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, और इसमें मुझे जो भी ऐड करना हो वो मैं कर सकता हूँ। अब स्टाइल में भी, इंटरनल सीएसएस में भी मैं सेम चीज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ ही खेलेंगे और कोई दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जैसे मानो मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, फिर सेव करते हैं। पर इसकी प्रॉपर्टी इनलाइन से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ब्लैक नहीं आया, ठीक है। तो मैंने आपको फोर्थ रूल भी प्रूव कर दिया कि इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। और जो फिफ्थ रूल है वो ये है कि इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है आईडी से भी ज़्यादा,
वो भी मैंने आपको प्रूव कर दिया। आई होप आपको फील आ गई होगी। कोई भी डाउट हो अभी भी तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सो यार, ये अपना फोर्थ रूल था और ये अपना फिफ्थ रूल था। अब आगे चलते हैं। सो हाउ कैन यू प्रिवेंट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, अब इसको समझ लेते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं, मतलब जब आप डिजाइन करें, जब आप कोड को लिखें तब, ठीक है। वेल द फर्स्ट थिंग इज टू रिमेंबर इज यूज आईडीज वेरी वेरी स्पेंगली, कि यार आईडी का इस्तेमाल कम से कम करो, ट्राई करो क्लासेस का इस्तेमाल हो जाए। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे आईडी का इस्तेमाल करना होता है, पर 95% आप क्लासेस का इस्तेमाल करके निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो रिकमेंड ये करता हूँ कि क्लासेस का इस्तेमाल करो, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बाकी सब लोग रिकमेंड करते हैं, जो भी वेब डेवलपर्स हैं और जो भी कोड लिख चुके हैं मतलब काफ़ी, तो उन्हें पता है कि यार आईडी का इस्तेमाल करके आप आगे चल के फंस जाते हैं, बहुत ऐसी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी में काफ़ी रूल्स होते हैं और काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो ट्राई करो कि क्लासेस का इस्तेमाल करो, आईडीज का इस्तेमाल कम से कम करो, ठीक है। सेकंड जो रूल है वो ये है, डोंट ट्राई एंड यूज इट व्हेन यू कैन यूज ए क्लास, मतलब सेकंड रूल वही है कि अगर आप क्लास का इस्तेमाल कर पाएं तो आईडीज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। थर्ड रूल ये, मेनली विद बूटस्ट्रैप कैरोसेल्स एंड बूटस्ट्रैप एलिमेंट्स, मतलब यार आईडीज का इस्तेमाल बेसिकली हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में किया है। अगर आप बूटस्ट्रैप में कोई भी कोड को उठाएंगे तो उसमें ज़्यादातर आईडी का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जोड़नी होती हैं और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आईडीज से ज़्यादा अच्छे से और यूनिक रहती हैं, इसलिए बेसिकली उसमें यूनिक का फ़ायदा काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। बट ऐसे नॉर्मली अपने कोड में उसका इस्तेमाल करना, अगर आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत होगा। ट्राई करो क्लासेस का इस्तेमाल करो, बाकी बूटस्ट्रैप में अगर आपको आईडी का इस्तेमाल करना पड़े तब करो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द अदर थिंग टू रिमेंबर इज व्हेन यू आर अप्लाइंग क्लासेस टू योर एलिमेंट्स टू ओनली यूज वन क्लास, मतलब यार अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मानो H1 में आप क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ट्राई करो एक ही क्लास का इस्तेमाल करो, ज़्यादा भरो मत उसको, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ये होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, पर क्यों? क्योंकि उसमें कोड लिखा है उन पर्टिकुलर क्लासेस का कि वो क्लास क्या करेंगे, और अगर हमें वैसा कुछ चाहिए इसलिए हम उन क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी नॉर्मली आप ट्राई करो कि एक ही क्लास का इस्तेमाल करो, ऐसे ना करो कि क्लासेस में 3-4 क्लास लिख दिए, आखिरी में खुद ही कन्फ्यूज हो गए क्या किया था, ठीक है। तो उसके लिए ये एक सेकेंड रूल है जो आपको ध्यान रखना है, पहला ये कि आईडी का इस्तेमाल कम से कम करो, दूसरा ये क्लासेस का इस्तेमाल करो, तो क्लासेस का भी इतना मत करो, सही से करो, ट्राई करो 2-3 जगह पे एक ही क्लास चल जाए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अवॉइड इनलाइन स्टाइल्स एट ऑल कॉस्ट, मतलब मेन फंडा यही है यार कि ट्राई करो कि एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करो, इनलाइन स्टाइल का आपको यूज ना करना पड़े, क्योंकि इनलाइन स्टाइल का जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ भी करोगे तो ट्राई करो इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल मत करो, इनलाइन स्टाइल का यूज मत करो, एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करो, ठीक है। दिस इज रियली रियली बैड सीएसएस प्रैक्टिस, देयर वर सम ऑफ द प्रिकॉशंस, ये कुछ प्रिकॉशंस थे, ये मेजरली 3 प्रिकॉशंस थे। सो यार ये अपनी सेकंड पार्ट था, इसमें मैंने आपको बताया कि सेलेक्टर्स की प्रायोरिटी के बारे में। आई होप आपको फील आ गई होगी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैंने आपको बहुत सिंपली और बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से चीज़ें करके अपने एडिटर में समझा दी। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर बींग एन ऑसम लर्नर, थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीथिंग, ठीक है। और यार अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को रैपअप करते हैं। अगर इस चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और यार लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उसमें आप अपनी कोडिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यार अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।